हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव, आप सभी लोगों मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि पेपरा वाइल्ड सेंचुरी क्या है, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, वेस्टर्न घाट कहाँ है, कैसे है, इको सेंसिटिव जोन इसके बारे में जानेंगे कि क्या है इको सेंसिटिव जोन, क्या है एक्टिविटीज जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या प्रोहिबिट होता है, क्या क्या रेगुलेट होता है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और कंसर्न ऑफ लोकल, इसमें लोकल्स की बात की गई है, तो लोकल कहाँ के, केरल के पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो भी आस पास के जो भी इलाके हैं उनके बारे में लोगों में बात की जाए, जैसे अम्बोरी डिस्ट्रिक्ट हो गया और कालीकट, ये जो केरल में जो दो स्थान है यहाँ पर बात हो रही है। हाउ टू एड्रेस देम, जो ये लोग जो कंसर्न ऑफ लोकल्स, मतलब जो दिक्कतें ये लोग झेल रहे हैं, जो दिक्कतें ये लोग फेस करेंगे उसको हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे, तो वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। और वीडियो से शुरुआत करने से पहले आप लोग प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। हम लोग अब शुरुआत करते हैं पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। द पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन त्रिवेंद्रमपुरम, केरल में क्या है, त्रिवेंद्रमपुरम एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है और एक करमना रिवर के पास में सटा हुआ है। केमुन जोताई द टैलेस्ट हिल विथ इन द सेंचुरी, जो ये सेंचुरी है उसमें चेम्मू जी मोटाई जो क्या है सबसे टैलेस्ट हिल है, इसकी बात की जा रही है। 43 स्पेसीज ऑफ मैमल्स, मतलब जो दूध देते हैं 43 स्पेसीज है उनके, मतलब उनके प्रकार 43 स्पेसीज है। 233 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, जो चिड़ियों के 233 स्पेसीज है। 46 स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले होते हैं उनके कितने हैं, 46 है। 30 स्पेसीज ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब जो जल में और दोनों जगह रहता है, पृथ्वी पर और जल पर भी, दोनों पर मतलब अर्थ और मिट्टी पर और पानी पर दोनों रह जाए उसको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। एंड 27 स्पेसीज ऑफ फिशेस, मछलियों के 27 स्पेसीज पाई जाती हैं। और ये जो पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे हम लोग गवर्नमेंट ने कब 1983 में क्या कर दिया था, सेंचुरी घोषित कर दिया था। नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउदर्न स्टेट ऑफ केरला, केरला का जो साउदर्न स्टेट है इन इंडिया इज स्प्रेड ओवर द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है जो ना ये ऐसे करके है जो ये, तो ये साउदर्न घाट है। तो इसमें बोला है कि क्या है साउथ ईस्ट, तो इसका साउथ ईस्ट क्या होगा, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो मतलब यहाँ पर इस साइड कहीं ये क्या है ये फैला हुआ है नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज द ड्रेनेज बेसिन फॉर द नेयार रिवर, नेयार रिवर एक उसकी क्या है ड्रेनेज बेसिन है और इसके दो ट्रिब्यूटरीज हैं मुल्लयार एंड केल्लार, पार्ट ऑफ अगस्थिया मला बायोस्फीयर रिवर रिजर्व, डिक्लेयर्ड एज अ सेंचुरी इन 1958, जो ये क्या है इसको गवर्नमेंट ने कब सेंचुरी घोषित किया था 1958 में। अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहाँ पर मतलब नए नए अलग अलग स्पेसीज पाए जाते हैं उन सबको हॉटस्पॉट बोलते हैं। अब इसमें क्या है 140 मेमल्स स्पेसीज हैं, मतलब जो दूध देने वाले हैं वो कितने हैं 140 है। 260 रेप्टाइल स्पेसीज, मतलब 260 स्पेसीज किसके हैं, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। 510 बर्ड स्पेसीज, कितना 510 बर्ड स्पेसीज है और 180 कितना एम्फीबियंस है जो दोनों में रहते हैं जल और मिट्टी पर दोनों पर रहते हैं। और 25% ऑफ इंडिया बायोडायवर्सिटी कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। न्यू फ्लोरा एंड फौना स्पेसीज डिस्कवर्ड एवरी ईयर, क्या है फ्लोरा मतलब होता है पौधे, पेड़ पौधे टाइप, और फौना मतलब होता है एनिमल्स टाइप, ये जंतु टाइप, ये जो कितना हर पर साल क्या हो रहा है नए नए डिस्कवर होते हैं। ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर एंड फ्रेश ऑक्सीजन डाउन साउथ, जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, ये साउथर्न पार्ट जो इंडिया का यहाँ तक है, जो इसका क्या है सबसे बढ़िया सोर्स क्या है ऑक्सीजन का और वाटर का, तो हम लोग देखते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इको सेंसिटिव जोन्स, ESZs क्या है, इसमें क्या क्या होता है, जैसे इको सेंसिटिव जोन्स और इकोलॉजिकली फ्रेगिल एरिया, फ्रेगिल मतलब होता है कमजोर टाइप जो वीक होता है, फ्रेगिल एरिया आर एरियाज विद इन 10 किलोमीटर अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के और नेशनल पार्क के क्या होते हैं, जो अंदर जो क्या है एरियाज विद इन 10 किलोमीटर अराउंड, जो नेशनल पार्क होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे वाइल्ड लाइफ कोई सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ठीक, तो ये जो होगा ना ये वाला एरिया, ये वाला इसको हम ESZ बोलेंगे, इकोनॉमिक सॉरी इको सेंसिटिव जोन बोलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट
चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है कि जो इको सेंसिटिव जोन्स का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ कब आया था 1986 में कब आया था ये और बियॉन्ड 10 किलोमीटर विथ इन जो जो ये होता है प्रोटेक्टेड एरिया होता है ये प्रोटेक्टेड एरिया हो जाएगा ये उसके अंदर का ये 10 किलोमीटर का ये जो रेंज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बफर जोन बोलते हैं ये वाला इसको हम लोग बफर जोन भी बोलते हैं और ये फिर इको सेंसिटिव जोन भी बोलते हैं इकोलॉजिकली फ्रेगल एरिया भी बोलते हैं उसे। अब ये जो एरिया होता है ये वाला जो एरिया होता है अब इसमें क्या होगा कुछ लिमिटेशन होगी कुछ प्रोहिबिटेड एरिया होगा कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज होगी और परमिटेड एक्टिविटीज अलाउड इन ESJs जो इको सेंसिटिव जोन है उसमें कौन कौन सी प्रोहिबिट है मतलब जो चीज मना है वो रेगुलेट मतलब जिस पर गवर्नमेंट की निगाह है मतलब रेगुलेट करके चलना होता है परमिटेड मतलब कौन कौन सा वहां पर कार्य हो सकता है इसके अंदर इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के अंदर इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। अब जानेंगे कि हम लोग प्रोहिबिटेड एक्टिविटी कौन कौन सी है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज कमर्शियल माइनिंग नहीं होगा सॉ मिल्स मतलब जो लकड़ी छीलते हैं ना फाड़ते हैं वो वाली मशीनें नहीं होंगी इंडस्ट्रीज कॉजिंग पॉल्यूशन एयर वाटर सॉयल नॉइज जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वैद्युतिक इंडस्ट्रीज वो क्या एयर हो जाएगा वाटर सॉयल और नॉइज जो इन चारों का पॉल्यूशन जहां भी होगा जैसे भी होगा उनको नहीं होगी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEP जो यहाँ पर नहीं लगेंगे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट नहीं होगा कमर्शियल यूज ऑफ फूड भी नहीं होगा टूरिज्म एक्टिविटीज लाइक हॉट एयर बैलून ओवर द नेशनल पार्क अगर टूरिज्म एक्टिविटी हो रही है तो उसमें जो हॉट एयर बैलून ऊपर उड़ाते हैं लोग वो सब बंद होगा क्योंकि उसके लगने से आग लग सकता है उसके फूटने से डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट और एनी सॉलिड वेस्ट इफ्लुएंट मतलब होता है मलबा मतलब वेस्ट टाइप ये सब कहां पर नहीं होगा अब सॉलिड वेस्ट और प्रोडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस और जो प्रोडक्शन ऑफ हजार्डस मतलब खतरनाक जो भी सब्सटेंसेस हो गए उन सब चीजों को भी वहां पर नहीं करना है प्रोहिबिटेड मतलब होता है निषेध नहीं करना है। अब हम लोग देखते हैं आगे अब हम लोग देखेंगे रेगुलेटेड एक्टिविटीज क्या क्या है जो वहां पर होती है उसको रेगुलेट करके देखा जाता है जैसे फिलिंग ऑफ स्ट्रेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट होटल्स बना सकते हैं रिजॉर्ट्स बना सकते हैं लेकिन रेगुलेटेड वे में होना चाहिए कॉमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर जो यूज होगा वाटर का नेचुरल वे में मतलब बहुत कॉमर्शियल यूज में बहुत रेगुलेटेड मैनर में होगा इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं वो सब चीजें रेगुलेटेड वे में मतलब कम मात्रा में लगाया जा सकते हैं ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम और एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या होगा थोड़ा मोटा बदलाव कर सकते हैं एडॉप्शन ऑफ हैवी टेक्नोलॉजी पेस्टिसाइड ETC वाइडनिंग ऑफ रोड्स ये सब होगा लेकिन बहुत माइनर वे में बहुत छोटे चीजों में ये सब चीजें हम लोग पेस्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं वाइडनिंग ऑफ रोड भी हो सकता है लेकिन रेगुलेट होगा मतलब बहुत जो मतलब जितनी आवश्यकता होगी उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। अब हम लोग देखेंगे परमिटेड एक्टिविटीज कौन कौन सी एक्टिविटीज हम लोग वहां पर कर सकते हैं ऑनगोइंग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर कर सकते हैं बागवानी कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर का संरक्षण कर सकते हैं मतलब हार्वेस्टिंग कर सकते हैं उसके थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कर सकते हैं एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल एक्टिविटीज वहां पर क्या ग्रीन एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल एक्टिविटीज जहां पर क्या होगा एडॉप्शन मतलब हम लोग लागू कर सकते हैं किसका ग्रीन टेक्नोलॉजी का सभी एक्टिविटीज में काम करने के लिए। अब हम लोग देखें कंसर्न्स ऑफ लोकल्स अब यहाँ पर लोकल्स की बात की गई है तो जो पिपियार और ये नया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें जो अगर ये बनाया जाएगा देखो अगर जैसे कि ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ठीक अब यहाँ पर अगर ये इकोनॉमिक इको सेंसिटिव जोन अगर बनाया जा रहा है ठीक ECS इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन ESJ बनाया जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा जो चीजें बताई गई है ना कि इसके 10 किलोमीटर के दायरे में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर तो पहले था ही कि यहाँ कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था उसके आसपास गांव थे ये आसपास गांव थे गांव रहने वाले थे तो ये लोग भी इसमें कवर हो रहे हैं सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि ये लोग अगर कवर हो रहे हैं तो वो वहां पर लोग क्या करते थे पेड़ कट मतलब छोटे मोटे घर के लिए खेती के लिए खेत जमीन का यूज करते थे वहां पर पेस्टिसाइड का यूज करते थे या फिर कबाड़ा वबाड़ा फेंक देते थे और जैसे कि रसोई के लिए पेड़ से लकड़ी काट लेते थे तो ये सब चीजों का मतलब फिर वो लोग क्या करेंगे उनके लिए कोई और ऑप्शन होना चाहिए उसके लिए बात करेंगे यहाँ पर देखा जाए कुड एडवर्सली इम्पेक्ट नॉर्मल लाइफ एज वेल एज देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट
उन लोग क्या जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके क्या नॉर्मल लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा। हिल हाईवे प्रोजेक्ट, जो हिल हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है वो भी उन लोगों को वहाँ से, उन लोगों को क्या सबसे बड़ी दिक्कत है माइग्रेशन एस्पेक्ट। अगर हिल हाईवे बनेगा तो रास्ते में अगर हाईवे पर उनका घर आएगा तो क्या होगा, उनका घर उजाड़ना पड़ जाएगा, तो माइग्रेशन एस्पेक्ट हो जाएगा। माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ना, भागना, चॉपिंग डाउन ट्रीज फॉर रिप्लांटिंग, यहाँ पर ट्री का जो कटना होता था वो भी नहीं हो पाएगा। डैमेजिंग द एक्सक्लूजन ऑफ इनहेबिटेड एरिया, डिमांडिंग द एक्सक्लूजन ऑफ इनहेबिटेड एरिया, जो इनहेबिटेड एरिया जो बनाया जा रहा है वो क्या एक्सक्लूजन मतलब हटा दिया जाए, वहाँ पर लोग बोल रहे हैं। विलेजर्स ऑन द प्रोटेस्ट, और क्या है जो विलेजर्स है वहाँ के, कहाँ के, अम्ब्रियो और कलिकट के जो विलेजर्स हैं क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाउ टू एड्रेस देम, उन लोग कैसे जो ये लोकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हड़ताल पर हैं उनको हम लोग कैसे समझाएंगे, कैसे गवर्नमेंट कैसे समझा सकती है। गवर्नमेंट हैज इंडोर्स्ड द नीड टू मॉडिफाई द इनकाउंटर्स ऑफ द जोन, जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, जो जोन बनाया जाएगा बफर जोन ये वाला उसको थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए, इन सब चीजों की बात कर रही है। रिवाइज मतलब जो ये जो पास किया जा रहा है कि पिल्लयार और नेयार, पिपरा और नेयार जो भी आ रही है सेंचुरी, उसको क्या उस पर थोड़ा रिवाइज मतलब उस पर सोचा जाए। और रिहेबिलिटेशन मतलब जहाँ पर वो लोग रहेंगे, जहाँ के लोग मतलब जिस सेंचुरी के आसपास जो भी रहने वाले हैं निवासी, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। कंपनसेशन, उनकी जमीनें जाएंगी तो उनको कंपनसेट किया जाए, मतलब पैसे दिया, मुआवजा दिया जाए। बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड इंसेंटिव, वहाँ पर क्या होगा, बेटर अपॉर्चुनिटीज मतलब नई नई सुविधाएं खोला जाए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट वर्सेस कम्युनिटी एक्सपल्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट वर्सेस कम्युनिटी एक्सपल्सन, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो भी सेंचुरी या फिर इकोनॉमिक इको सेंसिटिव जोन बनेंगे वो कहाँ पर होंगे, वो किसके अंडर में होंगे, मतलब होंगे तो गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन जो कार्य उसमें करने वाले होंगे या फिर देख रेख के लिए जो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि ये लोग खुद नेचर के प्रति बहुत सजग होते हैं, तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, कम्युनिटी एक्सपल्सन नहीं, वहां पर लोगों को भगाया नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं अब कि जैसे कि मोरल देखते हैं कि जो भी इको सेंसिटिव जोन होता है वो 10 किलोमीटर के रेंज में होते हैं, ठीक। और जो आसपास के ये जो एरियाज होते हैं वो सब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो उनकी डेली लाइफ होती है वो मतलब नॉर्मल होती है, नेचुरल वे में होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तीन कंडीशन रख दिए गए हैं, कौन कौन से, प्रोहिबिटेड है, रेगुलेटेड है और क्या है, परमिटेड है। तो यहाँ पर ये कुछ, अगर जहाँ पर आप रहेंगे वहाँ पर कुछ चीजें रेगुलेट कर दी जा रही है या प्रोहिबिट कर दी जा रही है तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो ये सब मतलब दिक्कतें उन लोगों को कंसर्न है इन लोगों को, और इसको एड्रेस कैसे किया जाने का, तो ये सब चीजें होगी कि जो उसको रिवाइज किया जाए, रिहेबिलिटेशन किया जाए, कंपनसेशन किया जाए, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी दिया जाए। और कम्युनिटी इन्वायरमेंट मतलब ये लोग खुद जो नेचर के साथ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वो लोग खुद इन्वायरमेंट के प्रति बहुत सजग होते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों की बात की जा रही है कि उनको भगाया ना जाए, उनका इन्वायरमेंट किया जाए। तो कैसी लगी वीडियो, प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।